हेलो एवरीवन, मेरा नाम नवीन कुमार है और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं नेट जेआरएफ का सिलेबस। तो ये जो सिलेबस होगा, ये जो पूरा कोर्स होगा, ये आपको सीएसआईआर नेट जेआरएफ के लिए बहुत यूजफुल रहेगा। साथ ही ये गेट के लिए और आईआईटी एग्जाम के लिए ये जो आपका कोर्स रहेगा वो बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। इस कोर्स में बेसिकली मैं सारे सब्जेक्ट्स के साथ डील करूँगा, उनकी थ्योरेटिकल नॉलेज दूंगा, साथ साथ प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस आए हैं हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और जितने भी शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं, क्योंकि किसी भी कंपटीशन एग्जाम को फेस करते हैं तो कुछ शॉर्ट ट्रिक का हम यूज करते हैं ताकि टाइम बचे। जितनी भी शॉर्ट ट्रिक होगी वो शॉर्ट ट्रिक बताई जाएंगी और कम्प्लीट सिलेबस आपको करवाया जाएगा। आज मार्च स्टार्ट हो रहा है तो हम अपने सिलेबस को कुछ इस तरीके से करवाएंगे कि मार्च अप्रैल और मई 3 महीने के अंदर हमारा नेट का सिलेबस कंप्लीट हो जाए। एक्चुअली ये पूरा जो कोर्स है, ये कोर्स आपको जो बच्चे न्यू बिगनर्स हैं, जो जून का नेट देना चाहते हैं, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। साथ में जिन्होंने सिलेबस पहले से किया हुआ है उनके लिए रिवीजन का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इम्पोर्टेंट जो है ये आपके लिए रहेगा, ठीक है। तो बेसिकली इस पूरे सिलेबस के अंदर मैं आपको बता दूं, मैं सबसे पहले थोड़ी आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में थ्योरेटिकल नॉलेज दूंगा, साथ साथ फिर मैं जो जो आपका जो थ्योरेटिकल जो टॉपिक होगा उसके साथ जितने क्वेश्चंस आए हुए होंगे वो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। साथ ही फिर लास्ट में हम कुछ टेस्ट सीरीज करेंगे, जो मैं आपको टेस्ट सीरीज दे दूंगा जो इम्पोर्टेंट रहेंगी आपके इसके लिए, ओके। सो बेसिकली जो नेट का सिलेबस है, नेट के सिलेबस में आपके 9 टॉपिक होते हैं बेसिकली। तो ये जो 9 टॉपिक हैं, इसमें जो फर्स्ट टॉपिक की बात कर रहा हूं मैं, वो इलेक्ट्रॉनिक्स है। हम इसी टॉपिक को शुरुआत करेंगे आज से। इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्चुअली नेट जो है, नेट के अंदर हमारे 2 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, एक तो आते हैं 3.5 के और एक आते हैं 5 मार्क्स के। तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसके 4 क्वेश्चन तो 3.5 के आते हैं और 3 क्वेश्चन कितने आते हैं 5, मीन्स ये 29 नंबर के या लगभग 30-32 नंबर की इलेक्ट्रॉनिक्स आपके एग्जाम के अंदर आती है। आजकल का जो एनटीए जो नेट करवा रही है उसमें बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स देखी जाए, क्वांटम देखी जाए, एमपी देखी जाए, इन सब्जेक्ट्स पर थोड़ा ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, इन सब्जेक्ट्स को ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है। तो बेसिकली हम इन्हीं जो सब्जेक्ट्स को ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं एनटीए, हम उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे स्टार्टिंग में एंड देन वी प्रोसीड फर्दर सब्जेक्ट्स, ओके। बेसिकली क्या है, दिस इज अवर फर्स्ट वीडियो। धीरे धीरे जैसे आप मेरी इन वीडियोज के साथ कनेक्ट होंगे तो आप देखेंगे मेरी और आपकी ट्यूनिंग मिल जाएगी एंड देन हम इजीली उस पूरे सिलेबस को कर पाएंगे। तो पूरी वीडियो को जरूर देखें जब भी आप कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक आप स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की बता रहा था, तो इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लगभग 30-35 नंबर की इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाती है इसमें नेट के अंदर, ठीक है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक्स, और इलेक्ट्रॉनिक्स का एक सिंपल सा फंडा और भी है, जैसी मैंने आपको पढ़ा दी वैसी एग्जाम में आएगी, ज्यादा हलचल नहीं मचाता जो क्वेश्चन पेपर सेट करता है, ठीक है। बेसिक से कुछ टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स को हम डील करेंगे और वैसे की वैसी आपके एग्जाम में वो पूछनी जाती है, ठीक है। इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे ज्यादा जोर देता हूँ कि 30-35 नंबर की आती है और बच्चा आराम से 25 नंबर के करीब ले लेता है। हमें हमारा टारगेट ये रखना है कि 120 नंबर के आसपास हम सिलेबस को कवर करें, 120 नंबर लें, क्योंकि कट ऑफ भी आजकल ज्यादा जा रही है। उसके बाद सेकंड टॉपिक हमारा रहेगा क्वांटम मैकेनिक्स, इट्स माय फेवरेट। क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर भी 3.5 के 4 क्वेश्चन आते हैं और 5 के 4 लगभग 34 नंबर की, या मैं कहूँ 34 से 36 नंबर की आपकी क्वांटम मैकेनिक्स पूछी जाती है। और क्वांटम मैकेनिक्स का भी ऐसा ही, क्वांटम मैकेनिक्स को अगर हम पढ़ने लग जाए तो ऐसे तो कोई मतलब अंत ही नहीं है क्वांटम का, लेकिन जो अगर हम नेट के सिलेबस पे बेस्ड पढ़ेंगे तो नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आपको क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ाएंगे, शॉर्ट ट्रिक्स लिखाएंगे, उन शॉर्ट ट्रिक्स से आप देखेंगे बहुत लंबे लंबे डेरिवेशन, बहुत लंबे लंबे जो क्वेश्चन होते हैं वो तुरंत आपके सॉल्व हो जाएंगे, ओके। उसके बाद आपकी आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है अपने आप में, लेकिन फिर भी हम इस सब्जेक्ट को बहुत डीपली पढ़ेंगे, क्योंकि ईएमटी का ऐसा है अगर आपको थ्योरेटिकल नॉलेज अच्छी होगी तो आप इजीली क्वेश्चंस को साथ डील कर पाओगे। इसलिए ईएमटी में हम भरपूर समय लगाएंगे, ऐसा नहीं है कि ईएमटी को हम बहुत जल्दी करेंगे, ठीक है।
ठीक है, तो आपको थोड़ा सा सब्र बरतना पड़ेगा, धीरे धीरे हम सिलेबस को कवर करेंगे, लेकिन कंप्लीट सिलेबस करेंगे इन 3 महीनों के अंदर। EMT जो है वो अगेन आपके लगभग 30 नंबर के करीब आपके EMT पूछी जाती है, तो EMT पर भी हम ज्यादा फोकस करेंगे। EMT बेसिकली मैं 3 पार्ट्स में आपको पढ़ाऊंगा, इलेक्ट्रोस्टेट, मैग्नेटोस्टेट एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, देन मैग्नेटोस्टेट एंड देन इलेक्ट्रोस्टेट। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को हम थोड़ा ज्यादा पढ़ेंगे। ओके, अंडरस्टूड दिस। नाउ नेक्स्ट इज द मैथमेटिकल फिजिक्स। मोस्ट सिंपल, जैसा पढ़ाया जाएगा वैसा ही एग्जाम में आएगा, कोई भी अलग आपका वो क्वेश्चंस नहीं होंगे। आप बिल्कुल देखोगे कि बस इस क्वेश्चन में इतना चेंज है और उस क्वेश्चन को आप डील कर पाओगे। दैट इज द मैथमेटिकल फिजिक्स। मैथमेटिकल फिजिक्स एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जो लगभग 35 से 40 नंबर का आपका एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। मैथमेटिकल फिजिक्स में कुछ टॉपिक्स हैं जिन टॉपिक्स पे हमेशा क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैट्रिक्स हो गया उसको हम बहुत अच्छे से डील करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया उसको हम बहुत अच्छे से डील करेंगे, न्यूमेरिकल टेक्निक्स हो गई ठीक है उसको हम बहुत अच्छे से डील करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशंस हो गया उसको हम बहुत अच्छे से डील करेंगे। और इस मैथमेटिकल फिजिक्स में मैं एरर वाला और करवाऊंगा, जो एक क्वेश्चन हमेशा 5 नंबर का आपका नेट के अंदर पूछा ही पूछा जाता है। ठीक है, तो फिर हम पढ़ेंगे क्या, मैथमेटिकल फिजिक्स। नाउ थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैट। थर्मोडायनेमिक्स कुछ ऐसा है, एक छोटा टॉपिक है और थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसा टॉपिक है, थर्मोडायनेमिक्स एक बहुत छोटा टॉपिक है जिसके अंदर कुछ, जैसे अगर मैं बात करूं थर्मो तो मैक्सवेल इक्वेशंस पे ज्यादा कंसंट्रेट किया जाता है, अगर मैं बात करूं स्टैट की तो उस स्टैट के अंदर बेसिकली आपका जो एंट्रोपी निकाला, फ्री एनर्जी निकाली, एंथैल्पी निकाली, ठीक है, जो इन चीजों पर ज्यादा एंजेम्बल थ्योरीज पर ज्यादा कंसंट्रेट किया जाता है। तो बेसिकली हम एंजेम्बल थ्योरी पढ़ेंगे और सेपरेटली क्या पढ़ेंगे, हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। तो ये हमारा 25 से 30 नंबर की आती है, जो ये समझ लो बिल्कुल जैसा आप पढ़ोगे वैसा का वैसा आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद सॉलिड स्टेट फिजिक्स, जिसके अंदर बहुत, सॉलिड स्टेट फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस सब्जेक्ट में टीचर का बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर टीचर आपको सॉलिड स्टेट फिजिक्स पढ़ा रहा है और वो एक पैटर्न से पढ़ा रहा है तो ऑटोमेटिकली आपको हर चीज याद होती चली जाएगी। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट एक टीचर का रोल होता है। टीचर अगर आपको पैटर्न से पढ़ा रहा है, इस टॉपिक के बाद ये टॉपिक है, इस टॉपिक में इस तरीके से हमें डील करना है, थोड़ी बहुत क्रैमिंग है, वो क्रैमिंग इसलिए की जाती है ताकि बहुत बड़े बड़े डेरिवेशन से बचा जाए और जैसा आपको पढ़ाया जाएगा वैसा आपका आएगा। सॉलिड स्टेट फिजिक्स भी एक अच्छा सब्जेक्ट है जो डील करता है, लगभग 20 नंबर का पूछा जाता है, जिसमें बड़े क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं 5 नंबर के, इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस घट जाती है, सीधा एक क्वेश्चन आपको 5 नंबर देता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स के अंदर देखा जाए तो नेट के अंदर हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स को अवॉइड करेंगे और जब जैम पढ़ेंगे तो हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स को लेके आएंगे। ओके, तो इसके अंदर बेसिकली 4-5 टॉपिक होते हैं हमारे अच्छे अच्छे, जैसे और एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसको भी मैं इस क्लासिकल फिजिक्स के अंदर ही आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो क्लासिकल फिजिक्स का बेसिकली ये है कि 5-7 टॉपिक ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चंस आने हैं, लैग्रेंजियन टू हैमिल्टोनियन कन्वर्जन, हैमिल्टोनियन टू लैग्रेंजियन कन्वर्जन, ठीक है, और क्या कहते हैं ये जो टॉपिक्स हैं आपके सेंटर ऑफ मास हुआ, मोमेंट ऑफ इनर्सिया हुआ, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स हुआ, इनसे क्वेश्चंस आते आते हैं, तो हम इन सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये हमारा लगभग 29-30 नंबर की पूछी जाती है क्लासिकल मैकेनिक्स, जो बहुत इजीली सॉल्व हो जाती है, कोई ज्यादा इसमें हिस्सा लगाने की जरूरत नहीं है, तो इसको हम बहुत अच्छे से डील करेंगे। उसके बाद हमारा टॉपिक आएगा एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स। दिस इज द मोस्ट इजी टॉपिक, इजी इन द सेंस हमें पता होता है, हमें पता है ज्यूमन इफेक्ट से, स्टार्क इफेक्ट से यहाँ से क्वेश्चन आना है, तो हम उन टॉपिक्स को थोड़ा सा ज्यादा कंसंट्रेट कर लेते हैं। हमें पता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा से गेट पे क्वेश्चन आते हैं, तो हम उस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा को अच्छे से पढ़ लेते हैं। हमें पता है कि क्या कहते हैं इसके अंदर जो लेजर वाला सेक्शन है वहां से एक क्वेश्चन नेट में आना है, तो उसको लेजर वाले पोर्शन को अच्छे से कर लेते हैं। तो ये सब्जेक्ट इजी, नेट के अंदर इजी सब्जेक्ट उसको कहा जाएगा, जो आप पढ़ो वो आपके एग्जाम में आ जाए, वो सब्जेक्ट आपके लिए इजी है। तो एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स बहुत इजी सब्जेक्ट है जो 18 से 20 नंबर का पूछा जाता है हमेशा नेट के अंदर।
उसके बाद लास्ट टॉपिक न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स। न्यूक्लियर और पार्टिकल फिजिक्स में दावे के साथ मैं कह सकता हूँ पार्टिकल फिजिक्स के जो क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा वो के वो क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर आएंगे। और न्यूक्लियर फिजिक्स के बेसिकली कुछ फॉर्मूलाज के साथ डील करेंगे, ज्यादा हम थ्योरी नहीं पढ़ेंगे। कुछ मॉडल्स हैं सेल मॉडल हुआ, लिक्विड ड्रॉप मॉडल्स का, उन पर क्वेश्चन पक्का आते हैं, उन मॉडल्स को याद करने के शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा और फिर हम उसको पूरा प्रोसीड करेंगे। लगभग 15-20 नंबर का आपका पूछा जाता है न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स। तो बच्चों बेसिकली ये आपका सारा नेट जेआरएफ का सिलेबस था जिसको हम आज से शुरुआत कर रहे हैं और इस सिलेबस को हम पूरा अच्छे से डील करेंगे। आप मेरे हर एक वीडियोस को जरूर देखें और इस वीडियोस को लाइक और सब में शेयर करें। जरूरी है ये वीडियोस को देखना क्योंकि अगर आप बाहर कहीं कोचिंग में जाते हो तो वहां पर टीचर्स आपके लिए बार बार रिपीट नहीं करता, लेकिन इस वीडियो को आप बार बार जो है देख सकते हैं और ये बिल्कुल आपके लिए फ्री रहेगी। पूरा नेट और जेआरएफ का सिलेबस आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री रहेगा, ठीक है। आप एक मिनट के लिए भरोसा कीजिएगा और वीडियोस को धीरे धीरे प्रोसीड कीजिएगा। एक दो वीडियोस के बाद आपको ये पता लग जाएगा, आपकी और मेरी ट्यूनिंग और इम्पीडेंस मैच हो जाएगा। और आपने फिजिक्स में एक बात पढ़ी होगी, मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट तभी होती है जब आपका इम्पीडेंस क्या हो, मैच हो। तो इम्पीडेंस मैच होने में एक दो वीडियोस का समय लगेगा, उसके बाद आप इजीली चीजों को समझ पाओगे। और ये सिलेबस सिर्फ नेट जेआरएफ के लिए नहीं बता रहा मैं, कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो उसके लिए ये सारा सिलेबस बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और एक बात मैं और बता दूं, अभी तुरंत कुछ दिनों बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट हरियाणा में निकलने वाली है जिसके अंदर स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, 100 नंबर का पेपर आएगा और कंप्लीट फिजिक्स आएगी। तो मैं आपको बता दूं उस पूरी फिजिक्स के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स आपके लिए रहेगा। लेकिन इस कोर्स का नाम CSIR NET JRF फॉर द फिजिकल साइंस बाय नवीन कुमार। और प्लीज प्लीज मेरे हर एक वीडियोस को देखिएगा और आप कमेंट में लिख सकते हैं कि इस वीडियोस में क्या क्या इंप्रूव करना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे आप इंप्रूवमेंट बताओगे हम उसको अप्लाई करेंगे और वो हमारे लिए बेटर बेटर ऑप्शंस बनते चले जाएंगे। तो आज से हम अपना सिलेबस से स्टार्ट करते हैं। सिलेबस की शुरुआत हम इलेक्ट्रॉनिक्स से करना चाहेंगे बिकॉज दिस इज वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट। और जैसे ही आपको इलेक्ट्रॉनिक्स समझ में आएगी आप मेरी ट्यूनिंग को पकड़ जाओगे और फिर हम धीरे धीरे सारे सिलेबस को प्रोसीड करेंगे, ओके। और जैसा भी हो आप एक नोटबुक लेके बैठें, जो मैं यहाँ पढ़ाता हूँ उस चीज को नोट करें अच्छे से, वीडियोस को पॉज करें, क्वेश्चंस को खुद ट्राई करके देखें एंड देन अगेन वीडियोस को चला के देखें। टॉपिक के अंत में कुछ क्वेश्चंस मैं बोर्ड पर आपको देखे जाऊंगा, साथ में कुछ असाइनमेंट्स होंगे जो मैं वीडियो के लिंक के साथ आपके पास छोड़ दूंगा। मैं एक बात और बता दूं, इस पूरे कोर्स के अंदर मैं आपको क्या क्या करवाऊंगा, बेसिकली मैं सारी आपको थ्योरेटिकल नॉलेज दूंगा, प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे, साथ में कुछ क्वेश्चंस हम प्रेडिक्ट करेंगे कि नेक्स्ट एग्जाम में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उन क्वेश्चंस को भी हम बहुत अच्छे से डील करेंगे। और आपका कोई भी जो प्रॉब्लम होगी उस हर प्रॉब्लम्स को यहाँ पर लिया जाएगा, समय दिया जाएगा और यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। और वन मोर थिंग, दिस कोर्स इज एब्सोल्युटली फ्री फॉर ऑल, ओके। सो आप प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मोटिवेट कीजिएगा कि मैं इस पूरे कंप्लीट सिलेबस को, क्योंकि सिलेबस छोटा नहीं है, इस पूरे सिलेबस को पढ़ा पाऊँ और मेरी रेगुलरिटी बन जाए, ओके। सो थैंक यू। तो दिस इज आवर इंट्रोडक्शन ऑफ द सिलेबस फॉर द फिजिकल साइंस नेट जेआरएफ। And in the next lecture, we will discuss our first topic, that is the electronics. Thank you.